नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, इन नौ में से कोई भी एक उपाय करने से चमक जाएगी आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे नियम है जो आपको करने से आपकी किस्मत चमक सकती है, तो दोस्तों हमारा यह वीडियो अंत तक देखते रहें। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल देसी नुस्खे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल देसी नुस्खे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आते हैं अपने टॉपिक पर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन नौ में से कौन से ऐसी एक उपाय आपके जीवन में चमक ला सकती है और आपके किस्मत को भी चमका सकती है। तंत्र व ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अनेक ऐसे छोटे व आसान उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। बहुत से लोग इन उपायों के बारे में जानते हैं लेकिन इन्हें अपनाते नहीं। यदि जानते हैं तो इन पर विश्वास करते नहीं। इन उपयोगों पर विश्वास करने के लिए जरूरी है अपने आप पे, खुद पर, स्वयं पर विश्वास करना। तंत्र शास्त्र व ज्योतिष के अनुसार यदि ये उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो जल्द ही इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने पर आपकी जिंदगी में आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ऐसे उपाय या ऐसे नुस्खे कौन से हैं। पहला, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखें। जिससे पहले दोनों हाथों की हथेलियां को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथ के अनुसार हथेली के ऊपर भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे की भाग में मणिबंध के रूप में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेलियों को देखने के से भाग्य चमक सकता है। दूसरा जो उपाय है वो है, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्मग्रंथ के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तीसरा जो उपाय है, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्म का क्षय होगा और पूर्ण कर्म का उदय होगा। यही पूर्ण कर्म आपके मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होंगे देवता। जो चौथा उपाय है वो ये है, या देवताओं को फूल से सजाएं। घर में स्थित देवी देवताओं को रोज फूल से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं व व्यक्ति के जीवन में हर परेशानी दूर हो सकती है। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। पांचवा जो नुस्खा है वो मैं आपको बता दूं, सुबह करे झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जो सुबह झाड़ू पोछा करें, इसे सुबह झाड़ू पोछा करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति के आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है वह उसके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती। जो अगला उपाय है दोस्तों वह है छठा उपाय, मछली को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील, नदी का चयन करें जहां सुबह सुबह सी मछलियां बहुत सी मछलियां हों।
यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो ये उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। अगला उपाय जो है, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज घर भी जा घर से बाहर निकलते वक्त पहले अपने माता पिता, घर के बड़े गुरु बुजुर्गों को पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थिति सही विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके मन की मनोकामना भी पूरी होने लगेंगी। अगला जो नुस्खा है, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल पेड़ भगवान विष्णु का वास होता है। जो रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ पर का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि अर्जुन को गीता के उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नौवा उपाय जो है, बताते हैं, घर खाली हाथ ना जाए। घर में जब भी आप वापस जाए तो प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाए। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ या पत्ते ही क्यों ना हो। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और आपको मैं यह बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव इस वीडियो से लेकर है तो इसके कमेंट के बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताएं। और दोस्तों यह बता दूं मैं आपको कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, और ये हमें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स, ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल देसी नुस्खे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारी यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।